दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ है टीपीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज़। शुक्रिया। तो आपसे मेरे ये सवाल थे कि आजकल जो कांग्रेस पार्टी में से एमपीस, एमएलएस और जो नॉर्मल लीडर्स वगैरह है वो दूसरे पार्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसा TRS है, BJP है, AIMIM है, तो उसका मसला क्या है, वजूहत क्या है उसके कि चेंज हो रहे हैं? देखिए, वजूहत साफ है, कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है और जो भी ये कार्यकर्ता हैं, जो भी ये लीडर्स हैं, उनको ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि वो भी इख्तदार में नहीं है, इसलिए वो दूसरी पार्टी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ये सिलसिला जारी है, हमेशा से जो है कांग्रेस पार्टी में लीडर्स आते रहे, कांग्रेस पार्टी में से लीडर्स जाते रहे, कांग्रेस पार्टी में ये होते रहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं करती, कैसा भी माहौल हो। कांग्रेस जैसा आज का माहौल है, कम्युनल माहौल है, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। और ऐसा नहीं, इससे पहले भी देखिए आप, जब तेलुगुदेशम जो हुकूमत में आई, जब NTR साहब चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस का इससे बुरा हाल था, ये फैक्ट है ये, मगर उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पावर में आई। तो ये तो एक थोड़ा वक्तिया जो तकलीफ़ है, और मुझे ये मालूम है कि, और मैंने देखा है, वो भी वक्त देखा है, राजशेखर रेड्डी साहब का भी, मैंने वो जो है वो टाइम का जो मोमेंट था, हम भी उसमें हिस्सा लिए थे, और मुझे मालूम है कि आगे आने वाले वक्त में भी कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइव होगी और ये सारे लीडर जो जा रहे हैं ये वापस फिर आएंगे, इसमें कोई बात नहीं। और जो लीडर जा रहे हैं, अब ये भी तो देखिए वो लोग कौन है, अभी कांग्रेस पार्टी में आए, आके अभी थोड़े दिन ही हो रहा है, उनकी प्राइमरी मेंबरशिप उनको बराबर मिली नहीं। अब इसके ऊपर अब ज्यादा बात करना मैंने समझता हूँ कि कांग्रेस हमेशा इलेक्शन हार रही है या कम सीट्स आ रही हैं, तो उसका मतलब मसला क्या है कि पब्लिक का भरोसा कांग्रेस पर से उठ गया है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस हर इलेक्शन हार रही है, आप ऑल ओवर इंडिया देखेंगे कि जिस तरीके से जो इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन है, जो म्यूनसिपल बॉडी लोकल बॉडी इलेक्शन है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी नॉर्थ इंडिया में और साथ साथ जो है हर जगह पर साउथ इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी हारी, ठीक है, जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी एक ज़माने से इख्तदार में थी, फिर उसके बाद से अब हम पावर में नहीं है, हमारे भी कई सारे मसले हैं, कई वजूहत है, उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी और उसके लिए लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो सदर है राहुल गांधी जी, मुसलसिल जो है हर रोज़ आप उनको देख सकते हैं, ऑलरेडी साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं जीत रहे। अब UP में देख सकते हैं आप, प्रियंका गांधी जी जो है कैंपेनिंग कर रही हैं, तो कई सारे लीडर्स अपनी फील्ड पे काम कर रहे हैं, और बस थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह हमको पूरा यकीन है कि आवाम जो है कांग्रेस पार्टी का साथ देगी और कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द इख्तदार में आएंगी। जैसा कि फिरोज खान BJP में ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जो भी ये बात कर रहे हैं कि BJP ज्वाइन हो रहे हैं या TRS ज्वाइन हो रहे हैं, वो उनके अपने ज़ाती मफाद है, उनका अपना मसला है, उनका नज़रिया है, वो कांग्रेस पार्टी में थे, अब ये भी आए हैं और हमारे सामने ही आए थे कांग्रेस पार्टी में, जो भी लीडर्स आए, अब उनको ठीक नहीं लगा तो वो जाएंगे। मगर एक चीज़ की तकलीफ ये है कि ये कहना कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार रही है, उनकी तरफ से ये जो बयान आया, ये मुझे बहुत तकलीफ हुई कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार रही है और कार्यकर्ताओं की वजह से हार रही है। और कहना इनका भी ये भी कहना है कि अगर उनको चेयरमैन की सीट वगैरह कुछ देंगे तो वो BJP ज्वाइन कर लेंगे, तो अब कांग्रेस लीडर्स का क्या नजरिया रहेगा उनके तरफ देखने का, उनको किस नजरिए से देखा जाएगा पार्टी में? अब देखिए, वो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी रहती है, ये उनके ऊपर है ये मामला, ये हमारे ऊपर नहीं है, और हमारे TPCC प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब, ये उनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। बस तकलीफ हुई है इस बात की कि ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस के कैटर काम नहीं कर रहे, और वो चीज़ से जो है बहुत तकलीफ हुई। कांग्रेस पार्टी जितनी भी आज मौजूद है वो सीनियर लीडरों की बदौलत नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है, ये बात मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। आप आके देखिए, आप जैसा आप यहाँ पर हमारे हलके में आए हैं, यहाँ पर देखिए आप, आप हमारे सारे तमाम जो है लीडरों से मिले हैं, कार्यकर्ताओं से मिले हैं, अब जो भी मसला है वो टॉप लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कोई मसला नहीं है, हम लोग तैयार है, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से मेहनत करें, आगे भी करते रहेंगे।
ये भी सवाल था शब्द मेरा आपसे कि जो तेलंगाना में फिलहाल बीजेपी ऊपर आ रही है तो उसका मसला क्या है? देखिए, तेलंगाना के मुतालिक मेरे हिसाब से एक टीआरएस पार्टी की नाकामयाबी है बीजेपी को रोकने की, और एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, और जाहिर सी बात है जो एक जो कम्युनल माहौल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान का, उसका एक इफेक्ट तेलंगाना में भी देखने के लिए मिल रहा है। मगर मुझे यकीन है हैदराबाद के आवाम पे, तेलंगाना के आवाम पे, कि वो लोग सेकुलर फोर्सेस के साथ जाएंगे, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी यहीं पर ख़त्म, देखिए आप MLC इलेक्शन भी हार गई बीजेपी और उनके सिटिंग जो है MLC रहे वो, और वो हार गए, तो जाहिर सी बात है वो हारेंगे और तेलंगाना में उनका कोई स्कोप नहीं है, और साउथ इंडिया में, बल्कि साउथ इंडिया में उनका कोई स्कोप नहीं है। और आप इनका डाउनफॉल देखिए, अब आप वेस्ट बंगाल से आप लोग देखना शुरू करेंगे, उनका डाउनफॉल अब यहाँ से चालू है। किसान डिस्ट्रेस में है और अपने नौजवान डिस्ट्रेस में है, और हिंदुस्तान की जो है सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, बॉर्डर सिक्योरिटी का मसला है, बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, और आप जराइम, बढ़ते जराइम देखिए बीजेपी की हुकूमत और तेलंगाना की हुकूमत में, आप देख सकते हैं कि हर दिन एक जो है आप कत्ल की वारदात या कोई चोरी की वारदात या कोई ना कोई क्राइम जो है रिपोर्ट हो रहा है। पब्लिक डिस्ट्रेस हो चुकी है, पब्लिक को समझ में आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तदार में हालात कैसे थे और आज हालात कैसे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप जब अगला इलेक्शन आएगा और आप देखिए कि पब्लिक जो है, आवाम जो है, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगी। कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही है या सोशल मीडिया पे चल रही है कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं जी, या कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं जी, तो इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं साहब, ये रूमर्स है, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और कांग्रेस पार्टी में मेरी काफ़ी मेहनत रही है, मैं बहुत ज़माने से कांग्रेस पार्टी में हूँ, यूथ कांग्रेस से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, और वो एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक दो जगह आया, मगर उतना कोई सीरियस मैटर नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए सर्विस देंगे। थैंक यू।